सेलेक्शन डिसीजन के बाद आप अपने उस एम्प्लॉय को जिसको आपने सेलेक्ट करा है, हम उसका क्या करवाते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन करवाते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन का मतलब हम उसका मेडिकल टेस्ट करवाते हैं कि क्या वो मेडिकली फिट है या नहीं है, उसको कोई बीमारी तो नहीं है, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई ही हैज़ टू अंडरगो अ मेडिकल फिटनेस टेस्ट। मेडिकल फिटनेस टेस्ट उसको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। जॉब ऑफर आपको जॉब जब ही मिलेगी जब आपने ये फिटनेस टेस्ट को क्लियर कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप है आपका जॉब ऑफर। जॉब ऑफर का मतलब अब आपने मेडिकल करवाया, अपने कैंडिडेट का मेडिकल भी सही था, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, जॉब ऑफर। जॉब ऑफर का मतलब हम उसको जॉब ऑफर कर देंगे, हम उसको ऑफर करेंगे, हम उसको क्या देते हैं, उसको टर्म्स में कहते हैं अपॉइंटमेंट लेटर दे देंगे। हम अपने कैंडिडेट को अपॉइंटमेंट लेटर दे देंगे कि आप इस दिन आके हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लीजिए। जो जॉब ऑफर होता है, जो अपॉइंटमेंट लेटर होता है, वो दो चीज़ें डिस्कस करता है। इट कंटेन्स द डेट एंड टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। आपने कितनी डेट तक ज्वाइन कर लेना और आपके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं ज्वाइन करने की, ये सब चीज़ें उस जॉब ऑफर में होती हैं। लास्ट आता है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि अगर उसका जॉब ऑफर क्लियर हो गया, अगर उसने जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, तो हम वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, वो लीगली एनफोर्सेबल है। नाउ ही हैज़ टू ज्वाइन बाय द डेट जो आपके ऑफर लेटर में मेंशन है। सपोज आपने उसको जॉब ऑफर दिया आज की डेट में, आज क्या डेट है, आज हमारे पास 13th में है, आपने उसको जॉब ऑफर दिया कि ज्वाइन आवर ऑर्गेनाइजेशन बाय 18th May 2020। अगर वो 18 मई को आके अपनी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेता है, तब वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बन जाता है। आप उसको अब मना नहीं कर सकते कि आप मत ज्वाइन करो। हाँ, लेकिन वो 18 की जगह ही कॉन्टैक्ट्स यू ऑन 20th of May, अब आपके हाथ में है, आप चाहो तो उसको मना कर सकते हो कि यू कैन नॉट ज्वाइन आर ऑर्गेनाइजेशन। अब आप सिंस आपकी ऑफर डेट निकल गई है, आप अपनी अब इस ऑर्गेनाइजेशन को, हम अपने इस ऑफर लेटर को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है बेटा। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है।